वेलकम गाइस टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से लेकर आए हम आपके लिए एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आने वाली नई पिक्चर। आ जाएगा थोड़ा सा स्टार कास्ट, रफ्तार को हम दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग में। रफ्तार और नुसरत आने वाले हैं आने वाली नई पिक्चर जनहित में, जारी को लेकर बात करेंगे उन लोगों से, दिखाएंगे आपको पूरी फुटेज, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, क्या बातें हुई, और उनके साथ कराएंगे आपकी थोड़ी सी बातें। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। मैं आपका हूँ सरदोस्त राहुल थपलियाल। थोड़े से विजुअल अच्छा होगा, स्पेशली व्हेन वी नो दैट रफ्तार ने गाना गाया है, एंड रफ्तार के साथ साथ हमारे राजशान दिल्ला सर। वैसे मतलब आपने तो सब कुछ ही कर लिया है, आपने लिख भी ली मूवी, आपने प्रोड्यूस भी कर लिया, आपने गाने के भी लिरिक्स किसी और के लिए कुछ छोड़ ही देते आप ठीक है तो सो गाइस आई थिंक आई लव्ड द ट्रेलर, आई एम गोइंग टू लव द सॉन्ग जो अभी आप सबके लिए ट्रेलर और गाना बैक टू बैक एक के बाद एक आने वाले। सो प्लीज गाइस तालियां तो बज जाए यार, थोड़ी सी तालियां बजाओ यार। अच्छा ये तो आपने मेरे लिए बजाई है, अब ट्रेलर और गाने के लिए बजा दो थोड़ी और तेज की। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स हैव द ट्रेलर एंड द सॉन्ग। फाइनली गाइस अब हमें देखने वाला है, देखने को मिलने वाला पिक्चर का ट्रेलर, रफ्तार बाजी का गाना। गिर गया, अब स्टार्ट होने वाला है पिक्चर का ट्रेलर। सभी ये कैमरे मीडिया वाले तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि इस किस्म की फिल्म में अपनी फैमिली को मानना बड़ा चैलेंजिंग होता है, वो आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए बहुत ताली बजाइए आप लोग। क्योंकि हमेशा से हमारा, क्योंकि मैं बहुत हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और छोटे शहर से था, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रख के चला हूँ, तो ये फिल्म भी शायद कहीं ना कहीं मुझे उस छोटे शहर की, क्योंकि हमने फिल्म बनाई चंदेरी की आप देखें, तो छोटे शहरों में क्या होता है, आप अपने घर वालों से या आप अपने यू नो रिश्तेदारों से उस किस्म की बात नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, अब उनको भी समझ आ गई है कि क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरी है, उसी का फ़र्क हम इस फिल्म में लेकर आए। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग कि ये जो थॉट था, ये थॉट आपका कितने टाइम पहले, लाइक ऐसे था कि बहुत टाइम पहले भी आपने इसके बारे में सोचा था, देन यू थॉट मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, लेट्स गिव इट अ ब्रेक, कि कितने टाइम पहले आप यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट?
इन 2017 में ये व्हेन आई वाज राइटिंग ड्रीम गर्ल, तो उस दौरान ही ये आया, तो मुझे लगा कि पहले ड्रीम गर्ल कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यू नो, हाँ, तो मैंने कहा कि उसके थॉट तभी आया था और तब कहानी लिखी गई थी। अच्छा। और फिर उसको बनते बनते इतना टाइम लगा, बीच में भी बिजी हो गया। हाँ जी। और काफ़ी कुछ चीज़ें, रिसर्च वर्क बहुत था इस फिल्म में। Definitely. और फिर एक सही समय पर इसको रिलीज भी करना था, तो शायद वो सही समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड आई ऑल्सो होप कि आफ्टर वॉचिंग द मूवी लोग कंडोम बोलना बंद कर दे। सो मच नुसरत, थैंक यू। एंड नाउ रफ्तार सर, वेलकम सर। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव्ड द सॉन्ग, आई लव आपकी जो एनर्जी होती है, आपका जो रैप करने का तरीका होता है, लव इट। एंड आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट आई हैव मेट यू, आई हैव बीन ऑन अ रैप कॉन्सर्ट विद यू ऑल्सो, एंड कुछ जानी पहचानी लग रही हूँ मैं। मेरी याददाश्त तो पक्का कमजोर है। बहुत ही सटल वे आपने मेरे को बोल दी है। मैंने तेरे हाथ में चूड़ा देख लिया था। यार उससे क्या होता है, आपकी शादी शुदा उसमें क्या है। But sir, when you were preparing for this song, the lyrics that you got, obviously it's not just a regular rap. बहुत ज़्यादा, मतलब lyrics जो है वो बहुत ज़्यादा strong है. So while you were doing it, आपका दिमाग का format कैसा चल रहा था while you were singing the song, while you were preparing, आपकी कैसे चल रही थी preparation? See, you're giving me too much credit. I'll be really honest. In fact, this is the team. They already had their homework in place. उनको पता था कि ये वाली आवाज इस बात पे तवज्जो डालेगी, इसको वेटेज देगी, and then they is probably God bless me with this voice that got me, you know, it made me suitable for the song. I'm really glad. और क्या होता कि इस position में आके written stuff like Mantoniya and everything, and I will not do anything that is subpar. Yeah. I'll only, you know, join teams with anything that is definitely standing for something. Yeah. और जैसे आप बात कर रहे थे, ये पॉइंट, ये प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड फॉर अ लेडी टू लीड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स व्हाट द सॉन्ग इज सेइंग. सो दिस इज एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द टीम, दे आर रेडी विद एवरीथिंग मैन, आई एम जस्ट अ गेस्ट हियर, ट्रस्ट मी, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू गाइस, आई विश फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइस मैन. एंड ऑल्सो मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, आपको अभी हमारे लिए थोड़ा तो गाकर सुनाना है. दोनों गाएंगे जिन्होंने लिखा है. एवरीबॉडी, यस. एंड गाइस, आई वुड लाइक टू, यू नो, नोटिस करो, नकाश अजीज ने भी गाया मेरे yes, साथ में. नकाश अजीज, यस. सर, तो फिर मैं एक और माइक दूं, बिकॉज़ आई वांट एवरीबॉडी टू सिंग. नो नो नो, आई कांट सिंग, मैं बहुत ही गंदा गाती हूँ. नहीं नहीं, आप बताओ, तेरे को रोक सकता है कोई? नहीं यार, मैं गा नहीं सकती. यहाँ तो नहीं लग रहा ऐसा, तेरे को रोक लेगा? नहीं नहीं, गा लेना दोस्तों. आई डोंट नो हाउ टू सिंग. अच्छा, मैं ट्यून पीछे से ला ला ला, दैट्स नॉट द ट्यून. अरे पूरा गाना चलेगा. So that's me trying to tell you, don't make me sing, don't make me sing, that's why. So sir, please. पहले तो इनके लिए तालियां कि इन्हें नहीं आता है फिर भी नहीं गा रही हैं. कई दफा यही होता है, जिन्हें नहीं आता वो बहुत ज्यादा गाते हैं. मैं नहीं, नुश बहुत अच्छा गाती है. कभी कभी दो मेडल जीते इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही, बड़ा बड़ा मेडल गाने के. सो मच. मैं एक सच बात बोलूं, हाँ जी, तू ना, ये दिल्ली है, हाँ, है ना? हाँ, मैं बचपन से इनसे बताऊँ कैसे बात करते हैं? कैसे? भाई कॉन्डम जाके मांग लो, हाँ, या घर ऑर्डर करा लो, हर तरीके से आता है, गुप्त भी रह सकते हो. इस्तेमाल जरूर करो और पिक्चर जरूर देखो, क्योंकि जो तुम देखना चाहते हो, खतरनाक डायलॉग जिनके मीम बनेंगे, हाँ, वो है इसमें. बिल्कुल, चले जाओ. और मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ दिल्ली वालों से, आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे 100 रुपए में कौन सी चीज है जो आती है? बहुत कम चीजें होती हैं. नहीं, ऐसे 100 रुपए में, 100 रुपए में क्या क्या खरीदा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिल जाती है? जैन देख, जैसे वो पॉपकॉर्न है, कितने का था? कितने का भाई? 300-350 नीचे काम मिलता है. 350 रुपए का पॉपकॉर्न आपने 100 रुपए में और क्या खरीदा है? यहाँ तो पार्किंग भी डबल है, पार्किंग भी 200 की. पार्किंग 200 रुपए की, यहाँ मतलब 100 रुपए में मेरे ख्याल से 100 रुपए भी नहीं आते आजकल, वो भी 150-200 रुपए के आते हैं. आपने क्या खरीदा है 100 रुपए में आज तक? आइसक्रीम, कौन सी वाली? 100 रुपए की आइसक्रीम ना, कितनी देर चली? नहीं नहीं, वो तो चलो खैर, वो तो खैर आपने अपनी कैपेसिटी है. मैं बोला, आप बताओ कितनी देर आपने, 2 मिनट में खा गए होगे? ठीक है, आप बताइए.
सौ रुपये में क्या खरीदा आपने? मेट्रो का रिचार्ज, ठीक है। सौ रुपये में और क्या? वेरी गुड। सौ रुपये में ऐसी कोई चीज है जो आपको ढाई घंटा चली हो? ढाई घंटे तक हैं? आप तो मैडम उस पे आ गई मैसेज देने। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, आपकी अकील खरीद लो, चलती रहेगी जिंदगी। नहीं, जो 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 आपको एंटरटेन कर सके, ऐसी कोई जो आपको टेस्ट दे सके। ये सौ रुपए वाला कौन था? सरोजनी वाला? 700 से 100 कराती है तो तेरी इज्जत है। 100 में क्या क्या खरीदा है आपने? पॉपकॉर्न 100 रुपए के कहाँ खरीद लिया आपने? 90 रुपीज के? अच्छा, उसमें भी 100 नहीं खर्च किया पूरे घर पे? थिएटर में तो नहीं ना? थिएटर में कितने? स्मॉल एक चम्मच कितने से? अच्छा, आज तो माइनॉक्स आई है बेटा, यहाँ नहीं मिलते। तो ऑन 10th जून वी आर कमिंग अप विद दिस न्यूज की सर इन्होंने पैसे लगाए हैं पिक्चर पे, ये बोल नहीं रहे जो है ना, पैसे लगाए इन्होंने, तो ये बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फ्राइडे को 100 रुपए में मल्टीप्लेक्स में आपको हमारी पिक्चर देखने को मिलेगा। अमेजिंग सर, मेरे को फ्री में मिल सकती है? फ्री नहीं, 100 रुपए तो चाहिए ना, मेरे को तो फ्री में दे। फ्री में आप जाएंगे भाई, लंगर पे जाना पड़ेगा फिर। फ्री में केजरीवाल साहब दे तो नहीं इतना सर। अरे भैया यार खत्म करो, 100 रुपए मुझसे ले जाइए, तू खत्म करो ना। 3, 2, 1 वेरी वेरी क्लियर कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बहुत सिंपल था, जब पहला पोस्टर आया था एंड व्हेन पीपल सेड व्हाट दे सेड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू हियर इट, बट कहीं ना मुझे दिखा कि दिस इज व्हाट इंडिया इज, दिस इज व्हाट पीपल आर। देयर इज अ सेक्शन ऑफ इंडिया जहाँ ये सोच अभी भी उतनी ही भारी पड़ सकती है घुमनिया पे, तो आई थिंक हमें और ज़्यादा भारी पड़ना पड़ेगा। हमें वो लाइन बहुत करेक्ट है यार, आप उंगली उठाओ मैं आवाज़ उठाती हूँ, मैं इसका जवाब इतने में ही दे सकती हूँ। आई डोंट बिलीव इन सेइंग टू मच, आई जस्ट बिलीव इन डूइंग इट। तो मैं कर रही हूँ, आप लिखते रहो, मैं करते रहूँ। हेलो मैम, वो नहीं जा सकती है और वो नहीं बोल सकती है, और बेचना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो बिल्कुल, वो तो सही बात है मैम, बिल्कुल। अभी तो चेंजेस हो गई है ना, अभी जनरेशन तो चेंज हो गया, तो पता चल ही गया है कि हाँ पता सबको है यार, बट फिर भी शर्म सबको आती है। आई वुड होप कि जो जनरेशन बदली है वो शर्म हया थोड़ा छोड़ दे और जाके थोड़ा अपने लिए जो करेक्ट है और जो राइट है उसका मांग कर ले। आई होप सो। सर मेरा सवाल ये है कि इतना सीरियस टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट जो है बम विस्फोट से भी खतरनाक होती जा रही है, आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की भी कमी होने वाली, तो ये मूवी जो है समाज पर कितना असर पड़ेगा, इससे कितने लोग जागरूक होंगे? क्योंकि सरकार भी इस पर काम करती है लेकिन कहीं ना कहीं जो है धार्मिक एंगल को लेकर के जनसंख्या पर कानून नहीं बन पाता, तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी के जरिए समाज जागरूक होगा? थोड़ी सी सांस ले ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी में नहीं है, बिल्कुल आराम से ले लो। क्या जल्दी है तुमको, ट्रेन है तुम्हारी? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कॉलेज से लेके। फेवरेट टॉपिक तो है, टॉपिक तो फेवरेट है, लेकिन ये इस कौन ऑन करके छोड़ के गया तुमको भाई, इतना मतलब सांस नहीं ले रहे हो बीच में। मी? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ जवाब रफ्तार साहब देंगे, रफ्तार साहब। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ काम करें, क्योंकि उसी में थोड़ा हाथ जुटाने के लिए इनकी मेहनत में मैं आ गया, क्योंकि सच्ची में धक्का तो वो लगा रहे हैं, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ देने आया हूँ। जो आपने गाना गाया सर, उसके शब्दों का तो अलग ही प्रयोग किया आपने, बहुत बढ़िया। उच्चारण मेरा बढ़िया था, लेख तो ही नहीं गा था मैंने लिखा। दफ्तर भाई ने गाया है, नकाश अजीज ने गाया है, लिख के भी आया है। और कोई आपका थोड़ा धीरा सवाल कुछ ऐसा आपको? थैंक यू जी। हेलो हाय सर, दिस साइड सर। सर माय नेम इज आकाश, आई एम फ्रॉम filmikida.com। माय क्वेश्चन इज विद विनोद सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, टीयर वन सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों के लिए जागरूक रहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मूवी टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज को कितना टारगेट करेगी, कितना अवेयर करेगी, और आपकी क्या मतलब इस मूवी में इन्वेस्ट करने की क्या इंस्पिरेशन थी, ये जानना चाहता हूं।
देखिए टीयर वन में भी जैसे नुसरत ने कहा कि आज लड़कियां खुल के नहीं जाती हैं कभी शॉप वगैरह पे, और ऑब्वियसली टीयर टू और टीयर थ्री जहाँ पे पॉपुलेशन हमारा मतलब इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन BNC सिटीज़ में है, और वहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म जी नेटवर्क हमारे जो पार्टनर्स हैं वो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जिन्होंने लास्ट में कश्मीर फाइल की थी. सो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल थिएटर्स आर देयर विद अस, सो डेफिनेटली वहाँ पे एक वाइड रिलीज होगी, इट विल बी अवेलेबल देयर. और यही सोच के हमने पिक्चर बनाई कि कॉमेडी और ह्यूमर के साथ में अगर एक सीरियस बात कही जाए तो वो लोग थिएटर में जब आएंगे हंसेंगे. दो साल से हंसे नहीं है पिछले कोविड में, पूरे जो टाइम गया या तो एक्शन पिक्चर देखी या आई डोंट थिंक से कोई कॉमेडी फिल्म आई है या एक ह्यूमरस फिल्म आई है. तो उसके बाद में जब लोग घर जाएंगे तब एक सोच डेफिनेटली लेके जाएंगे कि बात तो थी कुछ, बात सही है, इसको समझना चाहिए और करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. I say I definitely hope that apart from being a serious topic, it brings some humor to the subject also. Thank you, sir. Thank you for your answer. Hello, sir. This is Himanshu from Himanshu Rizberg. Sir, सबसे पहले तो रफ्तार आपको बहुत miss करती है दिल्ली और यहाँ की media, बहुत कम आपका आना होता है यहाँ पे. घर तो मेरा यही है दोस्त. मैं तो काम से इनके शहर गया हूँ. तो मेरा सवाल जो है विनोद सर और रफ्तार दोनों आपसे, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इसलिए हमने दो लीजेंड्स को जो है खो दिया है, फर्स्ट सिद्धू मूसेवाला और दूसरे केके को, तो क्या पूछेंगे ये नहीं लेकिन क्या मेमोरीज आपकी उनके रही अगर आप शेयर करना चाहें. और सर आप तो मतलब तीसरी से काफ़ी जुड़े हैं केके सर, और क्या मेमोरीज अगर आपको शेयर करना चाहें सिद्धू और केके. ब्रो टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी सैड लॉस, एंड टू बी मैं सच बता रहा हूँ आई डोंट वांट टू ऐड टू दिस, जो था मेरा अपना था और बहुत प्यारा था. See, it's very sad that, you know, these are highly talented and very good souls. Dono hi bahut hi pyare insaan bhi the. KK ko personally isliye jante the hum log because bahut sare gaane unke humne release kiye the. And on stage jab hua, that was something, you know, entertain karte karte. Whatever happened was a sad story. You know, it was not meant to be that way. We just have our, and, you know, sad hote hain us tarike se. It's a sad moment. Hi sir. So finally guys, press conference ho gayi khatam. Paali apne fans ke saath nazar aate hue ye hoti hai pehle ye hoti hai fan ko bolo hum logo ko रही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने देख ही ली होगी क्या बातें रही, क्या सवाल जवाब रहे. आप भी तैयार रहिए पिक्चर को देखने, जनहित में जा रही. हाँ, ट्रेलर पिक्चर का देखा, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बढ़िया था. और सबसे अच्छी बात यह, 100 रुपये में पिक्चर आज के टाइम में 100 रुपये में मिलता ही क्या है आपको, तो सीधे सीधे 100 रुपये में पिक्चर देखने को मिल रही है. तो बने रहिए हमारे इस चैनल में, आगे और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आएंगे. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस पिक्चर को. बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखना मत भूलना, और शेयर और लाइक तो दबा कर दो दोस्तों. बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में.